फिर उस यज्ञ से क्या लाभ होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। अग्नेवेरी त्यस्य ऋषिः स एव अग्निर्देवता जगति छन्दः निषादः स्वरः। ॐ अग्नेवेर्होत्रं वेर्दूत्यमवतां त्वां द्यावा पृथिवी अव त्वं द्यावा पृथिवी स्विष्ट कृत् देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा भूत् स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः। हे परमेश्वर, जो प्रकाशमय सूर्यलोक और पृथ्वी यज्ञ की रक्षा करते हैं, उनकी आप रक्षा करो। और जैसे यह भौतिक अग्नि यज्ञ और दूत कर्म को प्राप्त होकर प्रकाशमय सूर्य लोक और पृथ्वी की रक्षा करता है, वैसे हे भगवन, विद्वानों के लिए उनकी इच्छा अनुकूल अच्छे अच्छे कार्यों के करने वाले आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, जो यह यज्ञ के निमित्त अग्नि में छोड़ने योग्य घृत आदि उत्तम उत्तम पदार्थ संस्कृत अर्थात अच्छी प्रकार शुद्ध किए हुए होम के योग्य कस्तूरी केसर आदि पदार्थ और प्रकाशयुक्त लोकों के साथ प्रकाश में किरणों से अच्छे अच्छे वांछित कार्य सिद्ध कराने वाला सूर्य लोक भी हमारे न्याय व पृथ्वी के राज्य की रक्षा करने वाला होता है। वैसे आप विज्ञान रूप ज्योति के दान से हम लोगों की रक्षा कीजिए, इस कर्म को वेदवाणी कहती है। ईश्वर ने मनुष्यों के लिए वेदों में उपदेश किया है कि जो जो अग्नि पृथ्वी सूर्य और वायु आदि पदार्थों के निमित्तों को जान के होम और दूत संबंधी कर्म का अनुष्ठान करना योग्य है, सो उनके लिए वांछित सुख के देने वाले होते हैं। द्वितीय अध्याय के अष्टम मंत्र से कहे हुए यह साधन का फल नवमें मंत्र से प्रकाशित किया है। अब अगले मंत्र में उस यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का उपदेश किया है।